ठाणे जिला की जनता सीधे चुनेगी सरपंच। 13 अक्टूबर को होगा मतदान। जी हां, राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार ठाणे जिले की 158 ग्राम पंचायतों का चुनाव 13 अक्टूबर को होगा और इस साल जनता सीधे अपने सरपंच चुनेगी। क्योंकि ठाणे मुख्यमंत्री का जिला है तो सबका ध्यान यहीं पर केंद्रित हो गया है। वहीं अभी अभी देखना है कि कौन सी पार्टी किसके साथ मिलकर ग्राम पंचायत चुनाव में अपनी नैया पार लगाने के लिए मैदान में उतरती है। ठाणे जिले के अंतर्गत 6 तालुका आते हैं। इसमें शाहपुर तालुका में सबसे अधिक 79, मुरवार तालुका में 35, भिवंडी में 31, कल्याण में 7 और ठाणे में 5, इसके साथ ही अंबरनाथ में 1 ग्राम पंचायत शामिल है। ठाणे जिले की जनता खुद से चुनेगी अपना सरपंच और 13 अक्टूबर को होगा मतदान। जहां बिल्कुल जिस तरीके से राज्य चुनाव आयोग ने राज्य ग्राम पंचायत की घोषणा कर दी है, उसी तरीके से ठाणे जिले में 158 ग्राम पंचायत है जिसका मतदान 13 अक्टूबर को होगा। और इस बार सरकार जो भी जनता है वो खुद ही अपना सरपंच चुनेगी। क्योंकि ठाणा जिला है जो मुख्यमंत्री का जिला है, तो इस वक्त ये सबका जो ध्यान है वो ठाणे जिले पे बहुत ज़्यादा केंद्रित हो चुका है। और उसी तरीके से ठाणे में ये देखना होगा कि कौन सी पार्टी किसके ग्राम पंचायत के साथ मिलकर अपना चुनाव जीतेगी और अपना नैया पार लगाएगी। देखिए, ठाणे के अंतर्गत में कुछ 6 तालुका आते हैं, जिसमें से शाहपुर है, मुरबाड़ है, भिवंडी है, कल्याण है, थाना है और अंबरनाथ है। इसमें से शाहपुर और जो मुरबाड़ है उसमें सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत, जैसे कि 79 और 35 ये ग्राम पंचायत शाहपुर और मुरबाड़ में। तो इसमें अब ये देखना है कि किस तरीके से पंचायत जो कि सरकार है अपना पंचायत और सरपंच चुनती है। फिलहाल मैं विशाल जायसवाल, मेट्रो मुंबई न्यूज़ के लिए।